स्टार्ट करते हैं क्लास 12 चैप्टर 7 इंटीग्रल्स एक्सरसाइज 7.11 बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स इवैल्यूएट द इंटीग्रल्स इन एक्सरसाइजेस 1 टू 19 1 से लेके 19 तक जो डेफिनेट इंटीग्रल गिवन है उनको प्रॉपर्टीज की हेल्प से आपको इवैल्यूएट करना है या उसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है। प्रॉपर्टीज का यूज करके करना है, इसका मतलब यह है कि मिनिमम आपको एक प्रॉपर्टी तो क्वेश्चन के अंदर लगाना ही लगाना है और जितनी ज्यादा लग सकती है उतना लगाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 से देखो, इंटीग्रल ऑफ 0 टू 2 एक्स इंटू अंडर रूट 2 माइनस एक्स डी एक्स, ये एक डेफिनेट इंटीग्रल हमको गिवन है, इसकी वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो सबसे पहले मैं इसको आई के इक्वल कंसिडर कर लेता हूं, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 टू 2 एक्स इंटू अंडर रूट 2 माइनस एक्स और ये डी एक्स, ये अपना गिवन इंटीग्रल है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो इसको ध्यान से देखो, इसमें हमको प्रॉपर्टीज यूज करना है, तो अभी देखिए कुछ सॉल्व नहीं होता तो हम डायरेक्ट यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज करते हैं। ये देख रहा है 0 टू 2 मतलब ये 0 से a से मैच हो रहा है, 0 टू a से मैच हो रहा है, हो रहा है 0 टू a, हो रहा तो 0 टू a f ऑफ x dx, मतलब प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई करेंगे यहाँ पर, सुपर प्रॉपर्टी। तो पहले मैं प्रॉपर्टी लिख देता हूँ, देन इंटीग्रल ऑफ 0 टू a f ऑफ x dx इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 टू a f ऑफ a माइनस x dx, दिस इज नोन एज प्रॉपर्टी नंबर 4 और वी आर सेइंग दिस सुपर प्रॉपर्टी, सुपर प्रॉपर्टी बोल रहे हैं अपन इसको। अब इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जहां आपको x दिख रहा है वहां पे आपको a माइनस x लिखते हैं, तो एक 0 है और a के प्लेस पे 2 है, तो जहां जहां आपको इसमें x दिख रहा है x के प्लेस पे 2 माइनस x रखते हैं। तो चलिए रखता हूं मैं, therefore i is equal to integral of 0 to 2 x के प्लेस पे a माइनस x तो 2 माइनस x इंटू अंडर रूट, ये 2 ऐसे ही रहेगा, माइनस x के प्लेस पे 2 माइनस x और ये डी एक्स, जहां जहां x था वहां पर 2 माइनस x रखना है a माइनस x के अकॉर्डिंग, प्रॉपर्टी नंबर 4 की हेल्प। आराम से वैल्यू रख दिया आपने, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, विच इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 टू 2 ये 2 माइनस x को ऐसे ही रहने दो और अंडर रूट के अंदर की क्वांटिटी को सॉल्व करेंगे, अंडर रूट 2 और ये माइनस साइन का इंटू कर देते ब्रैकेट में, तो माइनस 2 और माइनस x में माइनस क्या करेंगे तो प्लस x और ये डी एक्स, ये नेगेटिव 2 और पॉजिटिव 2 गेट्स कैंसल्ड, विच इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 टू 2। अब यहां देखो अंडर रूट x बच गया और ये 2 माइनस है, ये 2 माइनस x इंटू अंडर रूट x और ये डी एक्स। देखिए अंडर रूट x का मतलब होता है पावर 1/2, तो मैं x की पावर 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये ऐसे फॉर्मेट में आ जाएगा जिसका इंटीग्रेशन अपन आसानी से कर सकते हैं। तो विच इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 टू 2 x की पावर 1/2 का 2 में करेंगे तो 2 इंटू x की पावर 1/2 माइनस x में करेंगे x की पावर 1/2 का तो 1 प्लस 1/2 3/2 हो जाएगी x की पावर, x रेस टू द पावर 3/2 और ये dx, ऐसा हो गया। अब देखो आप अंदर जो क्वांटिटी आ रही है ये क्वांटिटी ऐसे फॉर्म में आ गई जिनका सबका इंटीग्रेशन आप निकाल सकते हैं, 2 सामने आ जाएगा x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, एक पावर ऐड कर देंगे टोटल पावर से डिवाइड कर देंगे, माइनस x की पावर 3/2 का भी इंटीग्रेशन कर देंगे, एक पावर ऐड करके टोटल पावर से डिवाइड कर देंगे, और ये जो लिमिट लगी है उसको ब्रैकेट के बाहर लोअर लिमिट और अपर लिमिट लिख के फिर उसको आगे सॉल्व कर लेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस की हेल्प से, ठीक है। चल तो विच इज इक्वल टू, अब मैं ये ब्रैकेट लगा देता हूं, अपन लिमिट लिखेंगे इसके ऊपर, 2 सामने आ गया और x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 3/2 हो जाएगा और टोटल पावर से डिवाइड करेंगे, 1/2 में 1 प्लस करेंगे तो 3/2 हो जाएगा माइनस, x की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर एक पावर प्लस करो 3/2 प्लस 1 2 एलसीएम 3 प्लस 2 5/2 अपॉन टोटल पावर से डिवाइड करना है 5/2, ब्रैकेट क्लोज करो
और यहाँ लिमिट लगा दो, लोअर लिमिट जीरो और अपर लिमिट। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ये 3/2 डबल फ्रैक्शन में तो 2 ऊपर जाएगा, तो मैं इसको 2/3 लिखता हूँ, और ये 2 यहाँ भी दिख रहा है आपको, तो 2 2 4/3 हो जाएगा, और ये वाला 2 ऊपर जाएगा, इसको 2/5 लिख लेते हैं। विच इज इक्वल टू, ब्रैकेट को ऐसे ही रहने दो, ये 2 2 4/3 एक्स रेस टू द पावर 3/2 माइनस 2 ऊपर चला गया 2/5 एक्स रेस टू द पावर 5/2, और यहाँ लगाता हूँ मैं लिमिट, और यहाँ लगा देता हूँ मैं लिमिट 0 to 2। अभी कोई खास चीज आपको कॉमन निकलते दिख नहीं रही, 2 दिख रहा है, तो कोई फायदा नहीं है उस 2 को निकाल के, है ना। तो इसी में अपन वैल्यू रख देते हैं, यहाँ से 2 निकाल सकते हैं अपन, ज्यादा ज्यादा कौन है, जरूरत नहीं है ना। तो एक बार पहले 2 रख देते हैं एक्स के प्लेस पे दोनों जगह, फिर माइनस लगा देंगे और फिर 0 रख के माइनस कर देंगे। तो विच इज इक्वल टू, ये 4/3 एक्स के प्लेस पे 2 रख रहे हैं, तो 2 की पावर 3/2 माइनस 2/5 एक्स के प्लेस पे 2 रखना है, 2 की पावर 5/2 ये आपका एफ ऑफ बी हो गया, माइनस एफ ऑफ ए करना है, माइनस एफ ऑफ ए के लिए ए के प्लेस पे आपको कितना रखना है, 0 रखना है। जहां जहां एक्स दिख रहा है वहां 0 रख दो, ये हो जाएगा 4/3 इंटू 0 की पावर 3/2 पूरे 0 हो जाएगा, माइनस 2/5 और 0 की पावर 5/2। ये मैंने लिख दिया ऐसे ही, आप चाहे तो डायरेक्ट उसको 0 करके छोड़ सकते हैं। चलिए एक स्टेप में इसको सॉल्व कर देते हैं, यहाँ कर लेता हूँ मैं, ये आई के इक्वल चल रहा है अपना, आई इज इक्वल टू, अब देख लें 4/3 और 2 की पावर 3/2 है, तो ये 4/3 को तो एज इट इज लिखा मैंने एन टू। अब ये देखना 2 की पावर 3/2 मतलब 1.5 हो गया, एक पूरा और एक हाफ पावर, तो 2 की पावर 1 तो 2 हो गया, और हाफ पावर को √2 लिख सकते हैं, इसको 2√2 लिख देता हूँ, 2 की पावर 3/2 को 2√2 माइनस 2/5, ये 2/5 तो वैसे ही रहने दो इन टू। अब इसको देखना 2 की पावर 5/2, 2 की पावर 5/2 का मतलब 2.5, मतलब 2 पावर पूरी और हाफ पावर, तो 2 की पावर 2 करेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, और 2 की पावर हाफ करेंगे तो √2 हो जाएगा, तो मैं इसको 4√2 लिख देता हूँ, 4√2 देखना सही होना चाहिए। और इधर के ब्रैकेट में जब अपन आते हैं यहाँ पर, तो ये 0 की पावर 3/2 0 से ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 की पावर 5/2 से ये 0 में इसका इंटू करें तो ये टोटल 0 हो गया, ये ब्रैकेट तो आप चाहे तो छोड़ दो या 0 लिख दो, ठीक। आप इसको सॉल्व कर, ये क्या हो जाएगा 4 2 8, 4 2 8 √2/3 माइनस ये कहता है 2 2 2 4 8 √2/5, 8 √2/5 डिनोमिनेटर में 3 और 5 है तो एलसीएम ले लो, 3 और 5 का एलसीएम 15, ये 15 एलसीएम, 3 से डिवाइड करें 5, 5 का इंटू करें 5 8 जा 40√2 हो गया, माइनस 5 से डिवाइड करें 3 टाइम 3 का इंटू 8 में 3 8 जा 24√2 विच इज इक्वल टू। अब देखना 40√2 माइनस 24, एक जैसी क्वांटिटी √2, तो डायरेक्ट 40 में से 24 माइनस करते तो 16√2 बच जाएगा, 16√2/50, बस इट शुड बी द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ गिवन डेफिनेट इंटीग्रल, ये आपके गिवन डेफिनेट इंटीग्रल की रिक्वायर्ड वैल्यू है 16√2/15। आंसर चेक करके दिखाते हैं, ये रहा लाइन नंबर का क्वेश्चन 16√2/15। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रल ऑफ 0 to π/2। देखिए मैं पढ़ता भी हूँ, आप सुनो उसको ध्यान से, आपको भी वही पढ़ना है, मैं क्या पढ़ता हूँ, इंटीग्रल ऑफ 0 to π/2, और आप नोटिस करके देखना हर बार ऐसे ही पढ़ता हूँ, तो आप कम से कम 10 बार मैंने यहाँ पे एक्सरसाइज में पढ़ा, तो आपको कम से कम याद हो जाना चाहिए इसका प्रोनाउंसिएशन।
इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई बाई 2 2 लॉग साइन एक्स माइनस लॉग साइन 2x dx, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना हमको बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज। हमारे बार आपकी याद दिला देती है कि प्रॉपर्टीज का यूज करके ही करना है। तो सबसे पहले हम इसको आई के इक्वल ले लेते हैं, डेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई बाई 2 2 लॉग साइन एक्स माइनस लॉग साइन 2x और ये dx। अब देखो अपने को प्रॉपर्टीज का यूज करना है, तो 0 टू पाई बाई 2 दिख रहा है, मतलब 0 टू a से मैच हो रहा है, तो अपन लगाएंगे तो यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 4 या सुपर प्रॉपर्टी। लेकिन उसके पे आपको ये नहीं बोला गया है कि आपको धड़ से प्रॉपर्टी लगा देना, पहले आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को देखना है। अगर क्वेश्चन कुछ सॉल्व होता है, कोई चीज कॉमन निकल रही है या कहीं से कोई टर्म कॉम्प्लिकेटेड है वो आसान है, तो पहले आपको उसको सॉल्व कर लेना और उसके बाद आपको प्रॉपर्टी लगाना, एकदम से धड़ल्ले से एकदम प्रॉपर्टी नहीं लगा देना आपको। अभी तक जैसे जो क्वेश्चन आ रहे थे उसमें बिना सॉल्व की, मतलब उसमें वो फुल्ली पहले से ही सॉल्व था, उससे ज्यादा अपन उसको सॉल्व नहीं कर सकते थे, इसलिए अपन वो प्रॉपर्टी लगा दे रहे थे डायरेक्ट। अभी यहाँ पर हम लगाएंगे प्रॉपर्टी नंबर 4, लेकिन उसके पहले अंदर का जो कंटेंट दिख रहा है वो सॉल्व होने लायक दिख रहा है कि इसको थोड़ा सा और सॉल्व किया जा सकता है, तो पहले मैं उसको थोड़ा सा सॉल्व करूंगा और उसके बाद फिर मैं प्रॉपर्टी नंबर 4 को अप्लाई करूंगा। अब देखो क्या सॉल्व कर सकता हूं मैं इसको, ये 2 log sin x पे तो अपन कुछ नहीं कर सकती है, ऐसे ही रहेगा। ये sin 2x पे देखो इसके ऊपर मेरी नजर है, ये sin 2x के ऊपर, यहां पर अगर अपन sin 2a का फॉर्मूला लगा दे तो 2 sin x cos x ऐसा हो जाएगा और यहाँ पे सामने log रहेगा। अब इसका फायदा क्या होगा कि ये 2 हो गया आपका m, sin x हो गया आपका n और cos x हो गया आपका p, तो m into n into p वाला फॉर्मूला log का क्या होता है, m into n log m into n into p is equal to log m plus log n plus log p ऐसा होता है। तो उससे फायदा क्या होगा कि अपने को ये log sin x यहाँ पे दिख रहा है, एक log sin x वाली टर्म और मिल जाएगी अपने को, तो उसको अपन प्लस माइनस कर सकते। तो ठीक है, मैं यहाँ पर sin 2x का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, उसके बाद में फिर आसान फॉर्म में आ जाएगा, विच इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई बाई 2 ये 2 log sin x माइनस log और ये sin 2x को मैं लिख रहा हूं 2 sin x into cos x और ये dx लिख सकते हैं ऐसा। अब देखो यहां पे प्रॉपर्टी लगाना है अपने को log 2 sin x cos x में, ये m हो गया, ये n हो गया और ये p हो गया, तो log 2 plus log sin x plus log cos x हो जाएगा और सामने माइनस है तो सब में माइनस का इंटू कर देता हूं, विच इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई बाई 2 2 log sin x, यहां पे log 2 आएगा सामने माइनस है तो माइनस log 2, फिर प्लस log sin x आएगा सामने माइनस है तो माइनस log sin x, फिर प्लस log cos x आएगा सामने माइनस है तो माइनस log cos x और ये dx हो गया ऐसा। अब देख ये 2 log sin x है और ये 1 log sin x है, 2 में से 1 माइनस कर देते तो प्लस का log sin x आ गया, बाकी गए log 2 और log cos x को वैसे ही रहेंगे। तो विच इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई बाई 2 2 log sin x माइनस log sin x करेंगे तो log sin x हो जाएगा माइनस log 2 और माइनस log cos x और ये dx ऐसा हो गया ऐसा। अब देखिए आप क्या करते हैं, इनको अलग अलग इंटीग्रेंट के साइन के अंदर डाल देते हैं, विच इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई बाई 2 log sin x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ, ये log 2 कांस्टेंट है ये सामने आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 0 टू 2 और ये dx, log 2 को सामने लिख दिया मैंने कांस्टेंट है, माइनस इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई बाई 2 है वो, ये वाला भी पाई बाई 2 है 0 टू पाई बाई 2 और ये log cos x, log cos x dx ऐसा कर दिया भाई, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। अब देखो इसका तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा, log 2 सामने dx का x हो जाएगा, उसकी लिमिट लगा देंगे। अब ये दो टर्म को देखो,
दोनों एक जैसी है, एक लॉग साइन एक्स और एक लॉग कॉस एक्स है। तो अब ये जीरो टू ए, जीरो टू पाई बाई टू में जीरो टू है, तो यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी नंबर फोर लगा देता हूँ। 90 वाला एंगल है तो साइन का कॉस हो जाएगा और ये वाला कैंसिल हो जाएगा। एक में लगाना है आपको, इसमें लगाओ या इसमें लगाओ, तो मैं पहले वाले में प्रॉपर्टी नंबर फोर लगा देता हूँ। अभी तक इसको सिर्फ सॉल्व किया है, सॉल्व करके अब ऐसे फॉर्मेट में लगाया है, लाया है कि अब अगर आप प्रॉपर्टी फोर लगा देते हैं एक टर्म, लॉग साइन एक्स और लॉग कॉस एक्स जैसे ही है और 90 का एंगल है यहाँ पर, तो साइन 90 माइनस थीटा आपको पता है कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन, तो एक जगह लगा देना, चाहे तो आप यहाँ लगा दो प्रॉपर्टी फोर तो ये कैंसिल हो जाएगा, आप चाहे तो यहाँ लगा दो तो ये कैंसिल। तो मैं यही लगा दूंगा शुरू में, मैं प्रॉपर्टी लिख देता हूँ आपको पहले। प्रॉपर्टी के क्वेश्चन में आपको एक बार प्रॉपर्टी जरूर लिखना है, सेंस इंटीग्रल ऑफ जीरो टू ए एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ जीरो टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स और ये डी एक्स लगा देते हैं इसको, देयर फोर आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ जीरो टू पाई बाई टू पहले वाले में लगा रहे लॉग साइन एक्स में, तो लॉग साइन एक्स के प्लेस पे रखना है पाई बाई टू माइनस एक्स और ये डी एक्स माइनस लॉग टू तो आपका बाहर है, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स कर दो और इसकी लिमिट लगा दो जीरो से पाई बाई टू और ये लास्ट वाली टर्म को ऐसे ही रहने दो, माइनस जीरो टू पाई बाई टू ये कैंसिल हो जाएगी, इसलिए इसमें कुछ नहीं कर रहा हूँ, लॉग कॉस एक्स डी एक्स। एक स्टेप में इसको सॉल्व कर लेते हैं तो इससे कैंसिल हो जाएगा, विच इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ जीरो टू पाई बाई टू लॉग, अब देख लें ये साइन 90 माइनस एक्स, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वार्टर में, फर्स्ट में ऑल प्लस थे प्लस हो जाएगा, 90 वाला तो चेंज कर दो, साइन का कॉस एक्स हो गया, लॉग कॉस एक्स हो गए, डी एक्स माइनस ये लॉग टू है ना, तो लॉग टू दिखना है, ये लॉग टू है, लॉग टू है और एक्स ब्रैकेट में, तो ये हो गया आपका माइनस लॉग टू, एक्स के प्लेस पे एक बार पाई बाई टू रख दो, एक बार जीरो रख के माइनस कर दो, पाई बाई टू माइनस जीरो माइनस इंटीग्रल ऑफ जीरो टू पाई बाई टू लॉग कॉस एक्स डी एक्स। अब देखो ये नेगेटिव इंटीग्रल ऑफ जीरो टू पाई बाई टू लॉग कॉस एक्स डी एक्स और ये पॉजिटिव जीरो टू पाई बाई टू लॉग कॉस एक्स डी एक्स कैंसल, क्या बच गया, विच इज इक्वल टू माइनस ये पाई बाई टू को सामने लिख लो पाई बाई टू लॉग, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, ये जो माइनस दिख रहा माइनस वन इसको मैं टू की पावर माइनस वन लिख देता हूँ, थोड़ा सॉल्व कर रहा हूँ इसको, ये आई के इक्वल चल रहा है, तो ये पाई बाई टू प्लस कर दिया मैंने यहाँ पर लॉग टू की पावर माइनस वन, देखो लॉग एम रेस्टू एन वाले फॉर्मूले से खोलेंगे तो ये माइनस वन सामने आ जाएगा, तो माइनस पाई बाई टू लॉग टू हो जाएगा, टू की पावर माइनस वन को वन अपॉन टू लिख सकते हैं, वन के अपॉन में लेंगे तो टू पावर प्लस टू की वन पावर प्लस हो जाएगा, ये हो गया आपका आई इज इक्वल टू पाई बाई टू लॉग वन अपॉन टू, बस इट शुड बी द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ गिवन डेफिनेट इंटीग्रल पाई बाई टू इंटू लॉग वन अपॉन टू। अब देखिए ये मैंने ऐसा सॉल्व कर दिया इसको, ये मैंने बुक का आंसर देख के सॉल्व किया है, बुक में ऐसा आंसर आ रहा है इसलिए मैंने ऐसे सॉल्व किया, आप चाहे तो यहाँ पे छोड़ देंगे इसको तो भी आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे, हमने बुक का आंसर देख के सॉल्व किया, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज यही थी कि आपने इसको सॉल्व करें, इसमें प्रॉपर्टी लगा दी, थोड़ा बहुत स्टेप आगे पीछे हो जाती, कोई ऐसा सेंस बनता नहीं है इसको ऐसा लिखने का, मगर अब बुक वाला लिख रहा था, अपन ने भी लिख दी, आंसर दिखा देते हैं हम आपको, ये देख पाई बाई टू लॉग वन अपॉन, और किसी ने माइनस पाई बाई टू लॉग टू लिख के छोड़ दिया तो उसका मतलब भी वही है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको याद रह जाता है ऐसा, हमको याद रह जाता है तो हम कर देते हैं, नहीं रहता है तो फिर हम बुक का आंसर देख के कर लेते, लेकिन आपको ये बता देते हैं कि एग्जामिनेशन में आप यहाँ तक के आप इसको छोड़ सकते हैं, सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है कि आपका आंसर ऐसा भी आ रहा था, आप उसको सॉल्व करके ऐसा निकाल सकते हैं आगे, धीरे धीरे मेरे ख्याल से प्रॉपर्टी का यूज़ भी आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे अपन प्रॉपर्टी यूज़ करें। क्वेश्चन नंबर 11, इंटीग्रल ऑफ माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको हमको डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी का यूज करके इवेल्युएट करना है, तो मैं इसको पहले आई के इक्वल लिख लेता हूँ, लेट
आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ माइनस 92 प्लस 90, आराम से लिखिए, साइन स्क्वेयर एक्स डी एक्स। अब देखिए इंटीग्रल ऑफ माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ऐसी वाली एक प्रॉपर्टी बताया है मैंने आपको, प्रॉपर्टी नंबर 7 या 8 होना चाहिए, दो दो थी जिसके अंदर, 7 है कि 8 नंबर पे, 8 नंबर पे होगी। माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टू इंटीग्रल 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इफ एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन, दैट इज एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और इसी इंटीग्रल की वैल्यू इंटीग्रल माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 होता है, लेकिन कब, इफ एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, दैट इज ऑड फंक्शन किसको बोले हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स एफ ऑफ एक्स अगर हो जाए तो पूरे इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो जाती है। तो कहने का मतलब ये कि यहाँ का फंक्शन अगर इवन हुआ तो 2 सामने आ जाएगा और ये जो लिमिट थी ये 0 टू ए हो जाएगी और इसको सॉल्व कर देंगे, और अगर ये वाला फंक्शन आपका ऑड हुआ तो पूरी इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इवन और ऑड आपको चेक करना, इवन और ऑड चेक करने के लिए एक्स के प्लेस पे माइनस एक्स रखना है एफ ऑफ एक्स में, अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इजिकल टू एफ ऑफ एक्स आगे तो उसको इवन बोल देंगे, और एफ ऑफ माइनस एक्स इजिकल टू माइनस एफ ऑफ एक्स आगे तो उसको ऑड बोल देंगे। मैं यहाँ प्रॉपर्टी लिखता हूँ और उसको सॉल्व करता हूँ तो जो चीज मैंने बोला है वो आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगी। सिंस इंटीग्रल ऑफ माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये टू यहाँ जाता है सामने, 0 टू ए ऐसा हो जाता है, यहाँ का माइनस ही गायब हो जाता है, उसके प्लेस पे 0 आ जाता है और यहाँ का ए ऐसे ही रहता है और ये टू यहाँ पर सामने आ जाता है एफ ऑफ एक्स डी एक्स। लेकिन ऐसा कब होता है, ऐसा होता है इफ एफ ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, एफ ऑफ एक्स जब इवन फंक्शन होता है तब ऐसा होता है, दैट इज इवन फंक्शन किसको बोलते हैं कि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अगर आ जाए तो उसको इवन फंक्शन कहते हैं। हम ऐसा चेक करेंगे एक्स के प्लेस से माइनस एक्स रख के अगर ऐसा आ जाएगा तो उसको इवन फंक्शन बोल देंगे, और इवन फंक्शन होगा तो इस प्रॉपर्टी को ऐसा लिख देंगे। और एक और है इसकी, इज इक्वल टू 0 इंटीग्रल ऑफ माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 होता है, लेकिन ऐसा कब होता है, ऐसा होता है इफ एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, एफ ऑफ एक्स जो है वो ऑड फंक्शन, दैट इज ऑड फंक्शन अपन किसको कहते हैं कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाए, मतलब माइनस का साइन यहाँ सामने आ जाए तो फंक्शन ऑड हो जाता है, जैसे ही फंक्शन ऑड होगा तो इस इंटीग्रल की वैल्यू 0 ले ले। तब अपना टारगेट ये है, अपनी इस प्रॉपर्टी से मैच हो रही है प्रॉपर्टी, तो हमको सिर्फ ये साइन स्क्वायर एक्स को चेक करके देखना है कि ये इवन है या ऑड है, अगर इवन हुआ तो ये वाली प्रॉपर्टी से खोल देंगे और ऑड हुआ तो डायरेक्ट उसकी वैल्यू 0 लिखते हैं। तो अब मैं इस साइन स्क्वायर एक्स को एफ ऑफ एक्स के इक्वल पहले कंसीडर कर लेता हूँ और उसमें मैं एक्स के प्लेस पे माइनस एक्स रख के एफ ऑफ माइनस एक्स को चेक करते हैं कि वो इवन आता है या ऑड आता है। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर, ये वाले साइन स्क्वायर एक्स को मैंने एफ ऑफ एक्स के इक्वल, अपने को ये दो चीज चेक करना है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आता है या एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स आता है, तो इसके लिए अपन एक्स के प्लेस पे माइनस एक्स रख दो, तो ये एफ ऑफ माइनस एक्स आपने इधर एक्स के प्लेस पे माइनस एक्स रखे तो इधर भी रख दो, ये साइन स्क्वेयर माइनस एक्स ऐसा, इसको सॉल्व करेंगे ये एफ ऑफ माइनस एक्स को ऐसे ही रहने दो, इज इक्वल टू, देखो इसको ऐसा लिख सकते हो आप साइन माइनस एक्स और इसका स्क्वेयर लिख सकते, जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये जो स्क्वायर है केवल साइन का होगा, ये एंगल का कोई स्क्वायर नहीं होता, स्क्वायर या कोई भी पावर नहीं होता। अब यहाँ पर साइन माइनस एक्स है तो साइन क्या करता है, माइनस के चिन्ह को सामने ले आता है, सिर्फ कॉस रहता है और सेक रहता है तो वो कंज्यूम करते हैं, बाकी के लोग माइनस को उठा के सामने ले आते हैं, तो ये हो जाएगा आपका एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू ये माइनस साइन एक्स हो जाएगा और इसका स्क्वायर, विच एम्प्लाइज एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, देखना माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा,
और साइन एक्स का स्क्वेयर करेंगे तो साइन स्क्वेयर एक्स हो गया, माइनस प्लस हो गया, और दिस साइन स्क्वेयर एक्स कैन बी रिटर्न क्या एफ ऑफ एक्स, इसको एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, विच एम्प्लाइज एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ। देखिए अपन ने x के प्लेस में माइनस एक्स रख के सॉल्व करें तो क्या आ रहा है, एफ ऑफ एक्स आ रहा है, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आने का मतलब क्या है कि एफ ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, ये इवन फंक्शन हो गया, कौन सा साइन स्क्वायर एक्स, जब साइन स्क्वायर एक्स इवन फंक्शन है तो ये वाली प्रॉपर्टी में वैल्यू रख के सॉल्व करना पड़ेगा, अगर कभी ऑड फंक्शन आता है तो डायरेक्ट अपन इसकी वैल्यू जीरो ले लेते, तो इसको लिख देता हूँ क्या हो गया, ये इवन हो गया, ये इवन फंक्शन हो गया इवन, और जैसे ये इवन हो गया तो आप ये वाली प्रॉपर्टी लगा दो, देयरफॉर आई इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा देखो ये वाली प्रॉपर्टी लगाना है, अब आई इज इक्वल टू ये टू सामने लिख देता हूँ, जीरो माइनस पाई बाई टू के प्लेस पे जीरो, और ये पाई बाई टू ही रहेगा, और ये एफ ऑफ एक्स डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स, और फिर अपन इसको सॉल्व करें, देयरफॉर आई इज इक्वल टू ये टू सामने लगा दो, इंटीग्रल ऑफ ये माइनस पाई बाई टू को जीरो लिख दो, ये जीरो और ये वाला पाई बाई टू रहेगा, और एफ ऑफ एक्स क्या है साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ऐसा होगा। देखो कुछ फायदा समझ में आ रहा, पहले यहाँ पे लिमिट माइनस पाई बाई टू थी, अब ये जीरो हो गया और ये पाई बाई टू, अब देखो इसको आप, अब अपनी ये सुपर प्रॉपर्टी में चला गया, गया सुपर प्रॉपर्टी में जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, अब यहाँ पर मैं सुपर प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी नंबर फोर लगा देता हूँ, तो उससे ये 90 वाला है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता था, यहाँ साइन स्क्वायर एक्स एक कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, दोनों को तो इक्वेशन देके दोनों को ऐड कर देंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को एक ही इंटीग्रल मिलेंगे, उसकी वैल्यू वन हो जाएगी, अपना काम हो जाएगा, डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाएगा। चलिए अब प्रॉपर्टी नंबर फोर की सिचुएशन बन गई है यहाँ पर, जीरो टू ए प्रॉपर्टी नंबर फोर लिख रहे हैं, सिंस इंटीग्रल ऑफ जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ जीरो टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, तो प्रॉपर्टी नंबर फोर बोले रख दो इसकी वैल्यू, इससे वैल्यू अपनी आई के अंदर, देयरफॉर आई इज इक्वल टू ये टू इंटू इंटीग्रल ऑफ जीरो टू पाई बाई टू, ये साइन स्क्वेयर ए के प्लेस पे पाई बाई टू है माइनस एक्स और ये डी एक्स, अगली प्रॉपर्टी पर इसको सॉल्व करते हैं, विच इज इक्वल टू टू इंटू इंटीग्रल ऑफ जीरो टू पाई बाई टू, अब इसको देखना ये साइन स्क्वेयर को अपन ऐसा बाहर लगा सकते हैं, यहाँ पर एक स्टेप में लिख ही देता हूँ, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स और इसका स्क्वेयर, डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, ऐसा लिखना जरूरी नहीं, डायरेक्ट उसको कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, देखो मैंने ऐसा लिख दिया, अब ये साइन पाई बाई टू माइनस एक्स ये कॉस एक्स हो जाएगा और उसका स्क्वायर, विच इज इक्वल टू टू इंटू इंटीग्रल ऑफ जीरो टू पाई बाई टू, ये हो गया आपका साइन 90 माइनस थीटा, पढ़ेंगे इसको साइन 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में ऑल प्लस, ये प्लस हो जाएगा, 90 वाला चेंज कर दो, साइन का कॉस एक्स हो जाएगा, ये कॉस एक्स और इसका स्क्वायर, अब ये ब्रैकेट खोल देते हैं, तो विच इज इक्वल टू जीरो टू पाई बाई टू, ये टू है सामने, जीरो टू पाई बाई टू कॉस स्क्वेयर एक्स और ये डी एक्स, अब देखो ये साइन स्क्वेयर एक्स था, ये कॉस स्क्वेयर एक्स, इसको इक्वेशन वन दे दो, इसको वन दे दो और इसको टू दे दो, हो गया वन और टू, अब देखो ऐसी क्वांटिटी अगर ऐड करेंगे तो आइडेंटिटी बन जाएगी, तो दोनों को ऐड कर दो, कभी अपने को फायदा नहीं दिखता उसमें तो अपन डायरेक्ट यहाँ पे जो टर्म आती है उसी का इंटीग्रेशन रहता है तो उसको इंटीग्रेट कर, आप यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन नहीं है अपने पास में कॉस स्क्वायर एक्स का, तो इसको देखो ये साइन स्क्वायर एक्स ये कॉस स्क्वायर दोनों को ऐड कर देंगे तो आइडेंटिटी बन, ऐसा आपको सोच समझ के काम करना, तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड करिए इसको ऐड, ये भी आई के इक्वल है, लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड ऐड करते हैं, तो आई प्लस आई इज इक्वल टू इसका राइट साइड टू टाइम्स जीरो पाई बाई टू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, टू टाइम्स जीरो टू पाई बाई टू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इसका राइट हैंड साइड टू टाइम्स जीरो टू पाई बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स dx, ऐसा हो गया। अब देखो ये 2 इसमें भी दिख रहा है, 2 इसमें भी दिख रहा है, तो 2 को तो पहले कॉमन निकाल लेते हैं, और यहाँ पे 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 इसको एक ही इंटीग्रल के साइन के अंदर भी डाल देते हैं, 2 को कॉमन निकाल,
ये 2i हो गया, इस इक्वल टू, ये 2 को मैंने बाहर निकाल लिया दोनों में से कॉमन, और एक इंटीग्रल के साइन में डाल रहा हूँ 0 to π/2। यहाँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स, ऐसा हो गया भाई, है ना। ये साइन स्क्वायर एक्स लिए तो एक डी एक्स लगा एक बार लिमिट। अब ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वन हो गया, ये वाले 2 से 2 को कैंसिल कर दो, केवल आई के इक्वल आ गए, विच इज इक्वल टू, विच एम्प्लाइज आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 to π/2, ये आपका 1 हो गया, 1 dx या केवल dx लिखते हैं। अब इसका इंटीग्रल है अपने पास, ये आई के इक्वल चल रहा है, आई इज इक्वल टू डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा और इसकी लिमिट लगा दो 0 से π/2। एक बार एक्स के प्लेस पे π/2 रख दो, एक बार 0 रख के माइनस कर दो, फंडामेंटल थियरम ऑफ कैलकुलस से। तो विच एम्प्लाइज आई इज इक्वल टू π/2 - 0, तो फाइनली वी हैव गॉट आई इज इक्वल टू π/2, इट शुड बी द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ गिवन डेफिनेट इंटीग्रल π/2। आंसर चेक करके दिखा देते हैं आपको, ये रहा 11π/2। देखिए अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रल ऑफ 0 to π(x dx)/1 sin x, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है। इसको मैं पहले आई के इक्वल ले लेता हूँ, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 to π(x dx)/1 sin x। अभी देखो, अभी अपन इसको तो कुछ सॉल्व नहीं कर सकते, 0 to π दिख रहा है मतलब 0 to a से मैच हो रहा है, तो यहाँ प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा देंगे तो अपने को फायदा हो जाएगा। फायदा क्या होगा वो फायदा भी सुना देता हूँ। देखो अपन x के प्लेस पे 0 - π रखेंगे, ये π - x रखेंगे, तो यहाँ पे ऊपर π - x हो जाएगा, नीचे 1 + sin π - x, sin π - x तो sin x ही आएगा, मतलब 1 + sin x ही आएगा, लेकिन ऊपर दो टर्म आ जाएगी π - x1। इन दोनों को अलग अलग डिवाइड कर देंगे तो एक पाई की अपॉन 1 + sin x आ जाएगा और एक एक्स अपॉन 1 + sin x आ जाएगा, मतलब यही का यही आ जाएगा, तो इसको अपन आई लिख देंगे, बस वो माइनस आई को इधर शिफ्ट करेंगे तो अपना क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे लगा रहा हूँ मैं प्रॉपर्टी नंबर 4, इंटीग्रल ऑफ 0 to a f(x dx) इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 to a f(a - x dx)। चलो लगा दो ये प्रॉपर्टी, देयरफोर आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 to π, एक्स के प्लेस पे π - x रखना है, ये π - x/1 + sin π - x। क्या किया मैंने, एक्स के प्लेस पे π - x रख दिया। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, विच इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 to π, ये π - x/1 + यहाँ देखो ये 180 - θ, 180 - θ lies in second quadrant, what happens in second quadrant, sin is positive there, और ये sin ही है तो प्लस हो गया, प्लस लगाने की जरूरत नहीं, और ये प्लस लगा दिया और 180 में नो चेंज, तो ये sin x आ जाएगा, ये क्वाड्रेंट से सॉल्व कर दिया मैंने इसको sin, और ये dx। अब देखो ऊपर दो टर्म हो गई π - x, तो पाई को अलग डिवाइड कर दो इससे और x को अलग डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा अपने पास में आ, तो विच इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 to π (π/1 sin x dx)-इंटीग्रल ऑफ 0 to π (x/1 sin x)। देखो इंटीग्रल ऑफ 0 to π (x/1 sin x) आई के इक्वल आ गया, अगेन आई के इक्वल, इसको मैं माइनस आई लिख देता हूँ, इसको सॉल्व कर लेते हैं, विच इज इक्वल टू, ये पाई को बाहर कर रहा हूँ, इंटीग्रल ऑफ 0 to π, यहाँ बच्चा 1/1 + sin x, ऐसा हो गया। अब देखो ये 1/1 + sin x है, तो अब इसका तो इंटीग्रेशन अपने पास में है नहीं, तो इसको रेशनलाइज कर लेता हूँ, ये 1 + sin x है, 1 - sin x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, इंटू 1 - sin x से मल्टीप्लाई किया और 1 - sin x से डिवाइड, ये रेशनलाइजिंग का डिनोमिनेटर हो गया dx, माइनस
इस पूरे को इंटीग्रल ऑफ जीरो टू पाई एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स डी एक्स कैन बी रिटन आई, इसको आई लिखते रहो, ये माइनस आई हो गया। अब देखो इस माइनस आई को अपन इधर शिफ्ट करेंगे तो इधर पहले से एक आई है तो आई प्लस आई हो जाएगा, और इसको सॉल्व कर अब ये हो गया विच एम्प्लाइज आई प्लस माइनस आई को शिफ्ट करें तो प्लस आई इक्वल टू ये पाई इंटीग्रल ऑफ जीरो टू पाई ऊपर हो गया वन माइनस साइन एक्स, और डिनोमिनेटर में देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस, जब भी आप डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते हैं तो अक्सर वहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन जाती है, अभी बन जाएगी वन का स्क्वायर करेंगे तो वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स, ये माइनस आई को तो अपन इधर शिफ्ट कर दें। अब ये वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं अपन, कॉस स्क्वायर एक्स इसको अलग अलग डिवाइड कर देते तो ऐसे फॉर्मेट में आ जाएगा जिसका इंटीग्रेशन आपके पास में है, इधर करता हूँ विच एम्प्लाइज आई प्लस आई टू आई इज इक्वल टू ये पाई है बाहर है इंटीग्रल ऑफ जीरो टू पाई और ऊपर के वन माइनस साइन एक्स को ऐसे ही रहने दो और नीचे के वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स को हम कॉस स्क्वायर एक्स लिख देते हैं। पाइथागोरियन आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन से वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन कॉस स्क्वायर। अब इस कॉस स्क्वायर एक्स इसको अलग अलग डिवाइड कर देते वन को कर देंगे तो वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स का सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा जिसका इंटीग्रेशन आपके पास में, ये साइन एक्स को डिवाइड करेंगे तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स का टेन हो जाएगा, एक नीचे कॉस एक्स बचेगा उसको ऊपर ले जाएंगे तो सेक एक्स, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स आ जाएगा और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन भी आपके पास में है सेक एक्स, रीजन इज बिकॉज की सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स होता है तो सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन आपका सेक एक्स हो जाएगा बस। तो ये टू आई के इक्वल है, इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ये पाई इंटीग्रल ऑफ जीरो टू पाई इसको अलग अलग डिवाइड करो, वन को डिवाइड करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को डिवाइड करेंगे तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स लिख दिया मैंने उसको, देखो बेटा समझ में आना चाहिए सबको यहाँ, यहाँ डी एक्स भी है, ये आ रहा समझ में, देखो वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स का सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स में से साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिखो, नीचे के कॉस एक्स को ऊपर ले गया तो सेक एक्स हो गया, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेन एक्स हो गया, तो आप देखो इसका भी इंटीग्रेशन आपके पास में, इसका भी इंटीग्रेशन आपके पास में, तो ये हो गया आपका विच इज इक्वल टू पाई तो बाहर है लिमिट लगा देंगे, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स और ये इसकी लिमिट लगा दो जीरो टू पाई, बस एक बार आप एक्स के प्लेस पे पाई रख दो एक बार जीरो रख के माइनस कर दो तो ये हो जाएगा आपका ये पाई बाहर है टेन पाई माइनस सेक पाई माइनस जीरो रख दो आप एक्स के प्लेस पे तो टेन जीरो माइनस सेक जीरो ब्रैकेट क्लोज कर लो इसको सॉल्व, ये टू आई के इक्वल चल रहा है, ये पाई बाहर है, यहां देखना टेन 180 की वैल्यू जीरो होती है तो ये तो जीरो हो गया माइनस सेक 180 की वैल्यू कॉस 180 की वैल्यू माइनस वन होती है तो सेक 180 की वैल्यू भी माइनस वन होगी, और सामने माइनस है तो माइनस माइनस प्लस प्लस वन, फिर ये माइनस टेन जीरो की वैल्यू जीरो माइनस साइन का इंटू कर दिया मैंने जीरो, और सेक जीरो कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है तो सेक जीरो की वैल्यू वन हो जाएगी, सामने माइनस है तो ये माइनस वन हो गया और ये सामने और माइनस है तो माइनस माइनस प्लस वन, बहुत सावधानी से करना है, ये 2i के इक्वल चल रहा है अपना 2i इज इक्वल टू यहाँ ब्रैकेट के अंदर देखो 1 प्लस 1 2 और ये पाई 2 पाई 2 से 2 कैंसल्ड तो i इज इक्वल टू पाई, दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ गिवन डेफिनेट इंटीग्रल, पाई के इक्वल आएगा भैया आपका आंसर, चेक करके दिखाते हैं आपको, ये थोड़ा सा माइनर कैलकुलेशन है बारीक ध्यान से करना है, वैल्यू अगर याद है तो रख दो नहीं है तो फिर आप 90 प्लस थीटा 180 माइनस जो भी करके सही वैल्यू निकाल के रखना है, जरा भी गड़बड़ वैल्यू लगाई माइनस वन के प्लेस से प्लस वन रख दिए जीरो के प्लेस पे कुछ और तो आंसर आपका मैच नहीं होगा,